ये है वक्त मीडिया। जिला मेरठ के कस्बा लावड़ में मेला रक्षा बंधन के मौके पर 21 अगस्त 2022 को एक शानदार कुलहिंद मुशायरे का इनाकाद हाजी शमशाद रिजवी साहब की सदारत में हुआ। मुशायरे के सरपरस्त रहे अदब नवाज शख्सियत हरदिल अजीज चेयरमैन मोहम्मद हारून साहब कस्बा लावड़, मेला सचिव रहे याद राम जाटव साहब, मुशायरे के कन्वीनर रहे अतीक अहमद चौधरी साहब, शमा रोशन की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा प्रधान जी ने, इंतजामिया कमेटी में तनवीर हारून व समस्त सभासद गण का अहम रोल रहा। मुशायरे में शोरा को इनवाइट किया नौजवान शायर यूनुस वफा ने। लड़खड़ाऊं तो संभलने भी नहीं देती है, जिंदगी ढंग से चलने भी नहीं देती है, भूख कहती है मुझे हाथ में फैलाऊं मगर घर से खुददारी निकलने भी नहीं देती है, भूख कहती है मुझे हाथ में फैलाऊं मगर घर से खुददारी निकलने भी नहीं देती है। आइए एक बहुत कम उम्र के शायर से मुलाकात करते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पे बड़ी धूम है उस बच्चे की, धूम इसलिए है कि वो आपकी बात करता है, आपके माशरे की बात करता है। मेरी मुराद जनाबे वकार फराजी साहब, देखिए आपने, मैं नाम बोल रहा था, आपने नाम लगा दिया, इसका मतलब यह है कि वकार भाई आप तक भी पहुंचे हुए हैं। एक बच्चा है लेकिन इसके अपने जज्बात आपके सामने आने वाले हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जो लोग कसम खा के आए कि हम तालियां नहीं बजाएंगे वो अपनी कसम को तोड़े और जोरदार तालियों से वकार फराजी का इस्तकबाल करें। अस्सलामुअलैकुम, बहुत मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया आपका और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इतना खूबसूरत प्रोग्राम सजाया और आपके लावड़ में मेरी पहली हाजिरी है जी, आपके लावड़ में ये मेरी पहली हाजिरी है। इंशाल्लाह मुझे आपसे ऐसा लग रहा है कि अब हर बार मैं डन हो गया हूँ आपके यहाँ इंशाल्लाह। और यूनुस वफा साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी दावत पर मैं आज हाजिर हुआ हूँ जी भाई। तो दोस्तों पहले मैं चंद अशआर पेश करता हूँ, मुलायदा फरमाएं और अपनी दुआओं से अपनी मोहब्बतों से नवाजना जी भाई। इरशाद, कब कहा दर्द दिल की दवा चाहिए, कब कहा दर्द दिल की दवा चाहिए, बहुत अच्छे, दर्द दिल की दवा चाहिए, कब कहा दर्द दिल की दवा चाहिए, कब कहा दर्द दिल की दवा चाहिए, आपसे सिर्फ मुझको वफा चाहिए। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, क्या कहने वकार भाई, वाह वाह वाह, वफा चाहिए, बहुत अच्छे भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है कि आपसे सिर्फ मुझको वफा चाहिए। और शेर के तुम मेरी जिंदगी, तुम मेरी हर खुशी, तुम मेरी जिंदगी, तुम मेरी हर खुशी। नौजवान भाई भी शिरकत करते हैं और पूर्व नौजवान भी यहाँ शिरकत करते हैं, क्या बात, आपके लिए बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, आपके दिल में वतन की भी मोहब्बत है और दूसरी मोहब्बत भी आपके दिल में है, क्या मुझे पता लग गया है, तो मैं शेर हाजिर करता हूँ, फरमाइए, तुम मेरी जिंदगी, तुम मेरी हर खुशी, तुम मेरी जिंदगी, तुम मेरी हर खुशी, तुम मेरी हर खुशी, मिल गए तुम मुझे और क्या चाहिए, मिल गए तुम मुझे और क्या चाहिए।
चाहिए तुम मेरी जिंदगी तुम मेरी हर खुशी तुम मेरी जिंदगी। मेरे भाई 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 ये पानी फेंकना फेंकाना मत करे बिल्कुल भाई भाई। दो मिनट में आपके लूंगा या तीन मिनट सॉरी तीन मिनट मुझे आप लग के सुन लीजिए उसके बाद पानी पिए या कोल्ड ड्रिंक पीना ठीक है जी भाई। शेर सुन लीजिए मेरे क्योंकि मैं आपके हिंदुस्तान का सबसे छोटा शायर हूँ। अगर आप मुझे अपनी मोहब्बतों से नहीं नवाजेंगे ना तो मैं अपने घर क्या मुंह लेकर जाऊंगा। लावर वालों ने मुझे बिल्कुल भी मोहब्बतों से अपनी दुआओं से नहीं नवाजा तो मैं ये शेर हाजिर करता हूँ अपनी मोहब्बत से अपनी दुआओं से नवाजे। और वक्त मीडिया से शफीक भाई ये कवरेज कर रहे हैं ये आपका हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में चलेगा ये प्रोग्राम तो मैं शुरू करता हूँ। मुलायदा फरमाए और ये पानी बाद में पीजिए प्लीज मैं भी प्यासा खड़ा हूँ आपके चक्कर में कि तुम मेरी जिंदगी तुम मेरी हर खुशी मिल गए तुम मुझे और क्या चाहिए। शेर जी भाई बात करने का जिसमें सलीका न हो 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 उसको महफिल में कम बोलना चाहिए। बहुत अच्छा है ये बहुत अच्छा है वकार भाई वाह 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 ये बहुत अच्छा शेर था भाई इस पर तालियां बजाकर हौसला अफजाई होनी थी। बहुत अच्छे भाई वाह वाह बोलना चाहिए वाह 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 बात करने का जिसमें सलीका न हो उसको महफिल में कम बोलना चाहिए। और ये शेर ये मेरे भाई मेरे साथ हैं और इधर के भी मेरे भाई मेरे साथ हैं पता नहीं ये सब लोग क्यों रूखे रूखे खड़े हैं। और ये वाला शेर मैं सभी के लिए पढ़ना चाहता हूँ अपनी दुआ से और अपनी मोहब्बतों से नवाजे जी भाई। के इस कदर बेरुखी भी मुनासिब नहीं 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 तुमको मेरी तरफ देखना चाहिए तुमको मेरी तरफ देखना चाहिए। वाह वाह बहुत शुक्रिया। और ये मक्ते का शेर फिर उसके बाद आपसे दुआएं चाहता हूँ जी भाई। के इस कदर बेरुखी भी मुनासिब नहीं इस कदर बेरुखी भी मुनासिब नहीं इस कदर बेरुखी भी मुनासिब नहीं तुमको मेरी तरफ देखना चाहिए तुमको मेरी तरफ देखना चाहिए। और इस शेर का मकता फिर दुआएं जी भाई भाई इंशाल्लाह फिर रहा हूँ भटकता मैं कब से वकार फिर रहा हूँ भटकता मैं कब से वकार फिर रहा हूँ भटकता मैं कब से वकार फिर रहा हूँ भटकता मैं कब से उनके दिल में मुझे आसरा चाहिए उनके दिल में मुझे आसरा चाहिए। बहुत अच्छा है भाई वकार भाई वाह वाह वाह। और
वकार भाई, ये शेर मैं माँ के हवाले से हाजिर करना चाहता हूँ। जी भाई इरशाद, सुने दोस्तों। चंद शार अता करें भाई वकार भाई। प्यार से जो खिलाए वो माँ है। क्या बात है, प्यार से जो खिलाए वो माँ है। जो खिलाए वो माँ है। प्यार से जो खिलाए वो माँ है। मैं एक बार बताऊं, ये जो मैं शायरी का सफर तय कर रहा हूं, ये आप सभी की मोहब्बतें और मेरी माँ की दुआएं और मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब सुलेमान फराज संतपुरी साहिब की सरपरस्ती की वजह से है, जिसमें आप सभी हजरात की दुआएं शामिल हैं। हाजिर करता हूँ। बकार भाई अता करें, अता करें। प्यार से जो खिलाए वो माँ है। प्यार से, प्यार से जो खिलाए वो माँ है। प्यार से जो खिलाए वो माँ है। प्यार से जो खिलाए वो माँ है। जो दुआएं लुटाए वो माँ है। जो दुआएं लुटाए वो माँ है। दूर मुझको भगाती है दुनिया। दूर मुझको भगाती है दुनिया। को भगाती है दुनिया। दूर मुझको भगाती है दुनिया। दूर मुझको भगाती है दुनिया। अपने दिल से लगाए वो माँ है। अपने लगाए वो माँ है। अपने दिल से लगाए वो माँ। प्यार से जो खिलाए वो माँ है। जो दुआए लुटाए वो माँ है। बहुत अच्छा है भाई, वाह। और ये हमारी आपकी जबान में चंद शेर हाजिर करता हूँ इसके। अच्छा, के मोहब्बत का ये जज्बा मरने का ना है। मोहब्बत का ये जज्बा, के मोहब्बत का ये जज्बा मरने का ना है। वो अब मेरे दिल से उतरने का ना है। क्या बात है, अच्छा है। वो अब मेरे दिल से उतरने का ना है। और कहां उस फरेबी की बातों में आए। कहां उस फरेबी की बातों में आए। वो जो कह रहा है करने का ना है। वाह, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। में आए यार, वो जो कह रहा है करने का ना है। और अभी तो शुरुआत है आशिकी की। अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है आशिकी की। अभी भूसर से उतरने का ना है। वाह, अभी तो क्या कहने है आशिकी की। अभी तो वो सर से उतरने का ना है। और जुदाई के सदमे हैं बस चार दिन के। 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 किसी के लिए कोई मरने का ना है। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। किसी के लिए कोई मरने का ना है। और ये आंखें हैं उसकी, ये वाला शेर आखिर। ये आंखें उसकी बहरे जफा है। ये आंखें हैं उसकी के बहरे बहरे जफा है। जो डूबेगा इनमें उभरने का ना है। जो डूबेगा इनमें उभरने का ना है। और ये मक्के का शेर के वो है बेवफा तो कोई उससे कह दे। वो है बेवफा तो, वो है बेवफा तो कोई उससे कह दे। वकार उसके सदमे में मरने का ना है। वह बेवफा तो कोई उससे कह दे। वकार उसके सदमे में मरने का ना है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जब वकार भाई माइक पर थे, कहीं कहीं उन्होंने माँ के हवाले से शायरी की, तो आपने बहुत संजीदगी से सुना। जब उन्होंने आपके जज्बात और एहसास की बात की, तो आपने उन्हीं मोहब्बतों के साथ सुना। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ।
अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या सामाजिक जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9974028286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।